महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती के उपलक्ष्य में श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश स्तरीय आयोजन का शुभारंभ शनिवार शाम को गौरीधाम स्थित देवयानी विश्रांति गृह में हुआ। आयोजन के पहले दिन खरगोन सहित बड़वानी, अंजड़, राजपुर, सेगांव, खंडवा से आई महिला उद्यमियों ने स्टॉल लगाए। रंगोली प्रतियोगिता में महिलाओं ने भगवान परशुराम और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के चित्रों को रंगों से उकेरा। कार्यक्रम की शुरुआत समाज की परंपराएं सहित अन्य सामाजिक विषयों पर समाजजनों ने परिचर्चा से हुई। समाज के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक रवि जोशी ने समाज की उद्यमी महिलाओं के स्टॉल का अवलोकन कर उनका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जिसका उद्देश्य ये है कि आज समाज की मातृशक्ति केवल घरेलू कार्यों तक ही नहीं सीमित ना रहे, वो इन उद्यमी महिलाओं से प्रेरणा लेकर स्वरोजगार स्थापित करें। महिला मंडल जिला अध्यक्ष स्वधा पंडित ने बताया कि रंगोली प्रतियोगिता में 25 महिलाओं ने भाग लिया और खरगोन सहित बड़वानी और खंडवा जिले से आई 25 से अधिक उद्यमी महिलाओं ने अपने उत्पादों के स्टॉल लगाए। इसमें हैंडलूम से निर्मित महेश्वरी साड़ियां, पापड़, बड़ी सौंदर्य उत्पाद, सलवार सूट आदि शामिल रहे। इसके अलावा सामाजिक परंपराएं सहित अन्य सामाजिक विषयों पर समाजजनों ने परिचर्चा की। समाज के अध्यक्ष जितेंद्र जोशी ने बताया कि रविवार को समाज का परिचय सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश की 50 से अधिक इकाइयां भाग ले रही है। इसमें भाग लेने के लिए शनिवार से ही इंदौर, उज्जैन, बड़वानी, खंडवा आदि स्थानों से संख्या में समाज जन आना शुरू हो गए। इनके रुकने संपूर्ण व्यवस्था खरगोन इकाई ने की है। 3 वर्ष की कोरोना काल के कारण समाज के अंदर बड़े स्तर पर कोई कार्यक्रम नहीं करा। कल 25 दिसंबर को पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती के साथ साथ समाज ने तय करा कि परिचय सम्मेलन करना, उसके साथ 2 दिवसीय कार्यक्रम है। आज अभी रंगोली प्रतियोगिता, उसके साथ महिला उद्यमी मेले का एक आयोजन किया गया है और आज एक समाज के जो कई रीति और कई रिवाज हैं उन पर महिलाओं की परिचर्चा है। उसके बाद कल सुबह समाज की एक युवक युवतियों के लिए जो अविवाहित बच्चे बच्ची हैं उनका पत्रिका स्मारिका का विमोचन होगा। उसके बाद परिचय सम्मेलन होगा। 18 से 20 जिलों से लोग पधार रहे हैं, 50 से अधिक इकाइयों से आ रहे हैं, गुजरात और महाराष्ट्र से भी लोग पधार रहे हैं। हमारा प्रयास है कि समाज के अधिकांश लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो और कार्यक्रम का लाभ लें।